कि शनाख्ती कार्ड में भुट्टो लगवाने से भुट्टो नहीं होता, शनाख्ती कार्ड में भुट्टो लगवाने से मैं नहीं कहता भुट्टो नहीं होता, भुट्टो वो होता जिसका बाप भी भुट्टो होता, जिसका दादा भी भुट्टो होता। ठीक है जी। जब मैं कहता हूं कि रोटी सस्ती, कपड़े सस्ते, सीमेंट सस्ती, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बस मराद दी, इसका मतलब है कि आपके भुट्टो का नारा इमरान खान ने पूरा कर, रोटी कपड़ा और मकान आपने छीना, इमरान खान ने आपको तय दिया, आपने सिंध के आवाम से रोटी छीनी, कपड़ा छीना, मकान छीना, दिया किसने? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कप्तान ने। अल्लाह साई इन टिड्डों से हमें निजात दिला दो। सिंध चट कर गए, पूरे सिंध का बजट चट कर गए, सिंध की दवाइयां ये टिड्डे चट कर गए, सिंध की किताबें ये टिड्डे चट कर गए, सिंध की रोडें ये टिड्डे चट कर गए, घर के बच्चों को ये टिड्डे चट कर गए, और हमारी सिंध के सुकून को ये टिड्डे चट कर गए। अल्लाह साई टिड्डों से आप निजात दिला दो, और टिड्डी का इंशाल्लाह इलाज हो जाएगा। और मतलब तरक्याती बजट कम कर दिया, 100 अरब अयाशियों में अलल्लों तलल्लों में बढ़ा दिया गया। तो मैं बताना चाहता हूं, 4.25 अरब की गाड़ियां खरीदी गई हैं डीसीज और एसीज के लिए। क्यों खरीदी गई हैं? चूंकि डीसीज और एसीज ने आपको बल्दियाती इलेक्शन में ठप्पे लगवा के देने हैं, आपको जाली रिजल्ट बनवा के देने हैं, यही लोग आरओस एआरओस होंगे, डीआरओस होंगे, और डी लिमिटेशन। आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर ने शिकारपुर में खत लिखा है कि डीसी शिकारपुर ने जबरदस्ती करके उससे डिलिमिटेशन करवानी चाहिए। ये डीसीज और एसीज को इनकी क्या है इंटाइटलमेंट? 1300 जिमनी में चढ़ो, वीगो खपे इनको भी, भाई मर्ज लग गया है, वो डेरे के बेटे का मर्ज सबको लग गया, इनको भी रिवो चाहिए, वीगो चाहिए, 4.25 अरब की वीगो। सुनिए, सुनते जा शर्माता जा, 4.25 अरब की अफसरान गाड़ियों के लिए, जबकि 600 गाड़ियां गुम है सर, सिंध की 600 गाड़ियां गुम है SNGAD की। साई कामिल शाह मोहतरम ने उसको CMIT से रिपोर्ट मंगवाई थी, साथ ढूंढ ली थी, एक गाड़ी भी वापस नहीं हुई, वो 600 मंगा लो। अब जो आप 1.5 अरब की गाड़ियां खरीद रहे हो डीसीज के लिए, इस वक्त वो गधा गाड़ी पर सफर करते हैं, टांगे पर सफर करते हैं, साइकिल सब हो गया ना, गाड़ियां ढूंढो, 4.25 अरब से आप किसी को दवा दिलाते, को वैक्सीन मंगाते, और उसके बाद महकमा ज़रात के लिए 60 नई लग्जरी गाड़ियां, मजीद 38 करोड़ रुपए रखे दिए जाके, उसके साथ क्या होगा आपको पता है, 13 करोड़ की और ज़रात के लिए गाड़ियां खरीदी गई है। सही है, 1.28 करोड़ की लैंड क्रूजर किसके लिए खरीदी गई है? इससे कौन सी, इसमें टिड्डी का बाप मारेंगे? इसमें कौन सी टिड्डी मारनी है इससे? इसमें किधर लगना है? 1.28 करोड़ की गाड़ी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने वो भी टिड्डी मारने के लिए रखी है। कराची से क्या किया आपने जो पूरे मुल्क को रेवेन्यू देता है 90%, सिंध का भी यहीं से कलेक्शन होता है, कराची को अंगूठो, कराची के लिए कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? कि कराची ने फिरदौस नकवी को वोट दे दिया, कराची ने अरबिस्तान को दे दिया, अब उनको राजा साहब को दे दिया, शनवाज जदून को दे दिया, नवीद भाई को दे दिया, हमारी बहन को दे दिया, इस वर्कर को वोट दे के जिता दिया, और आपके वो लोग जो संडे मुस्तंडे आपने खड़े किए थे सबको फारिग कर दिया। इसीलिए कराची को नहीं देना, कराची को इसलिए नहीं देना कि लियारी से तीसरे नंबर पे आए हो, लियारी से शकूर शाह ने उठा के बाहर फेंक दिया लियारी से आपको, इसलिए कराची से दुश्मनी करते हो। और अब कराची का कुछ नहीं, कराची को आपने फारिग कर दिया। और मैं नहीं कह रहा, ये कामरान खान साहब की रिपोर्ट कह रही है, कामरान खान साहब जो कहते हैं वो बहुत कुछ ठीक ही कहते हैं, और मैं समझता हूं कि कराची के साथ ज्यादती क्यों की गई है। और अभी मानसून आने वाला है, फिर ये नाम सुनने को मिले, कल पता चला 20% ज्यादा, कि भाई बारिश ज्यादा है तो आता है तो पानी ज्यादा आता है, बारिश कम आता है तो बारिश ज्यादा आ रहा है, तो भाई क्या होगा कराची के साथ, क्या होगा? अर्बन फ्लडिंग का चांस है, अर्बन फ्लडिंग मुतवक्को है। स्पीकर साहब इनसे कहें तैयारी कर लें, ये ना कहें कि जी बारिश ज्यादा आ गया, पानी ज्यादा आ गया, डूबो मरो भाड़ में जाओ, ना वोट दिया तुमने, ये करेंगे इस शहर के साथ कोई अपने, सारे नदी नाले भर जाते हैं, घरों में पानी चला जाता है, इसके लिए आप लोग कुछ ना करना। और मैं समझता हूं स्पीकर साहब
क्या बातें हैं वफाकी बजट ने क्या किया। वफाक का इशू यह है कि पिछले दो साल में 5,000 अरब 4,900 बिलियन रुपीस कर्जों में वापस किए हैं। लिए किसने थे? आपके चाचू नवाज शरीफ ने लिए थे, आपके इत्तेहादी नवाज शरीफ ने लिए थे, जो उनके कर्जे और सूद 4,900 रुपीस वापस करने हैं। और इस साल भी 2,700 रुपए कर्जे में और सूद में वापस करने हैं। माइनस पे सूबों को देने के बाद, डिफेंस को देने के बाद माइनस से बजट शुरू होता है, 750 अरब माइनस से। तो भाई उसके बावजूद नया टैक्स ना लगना कोई छोटी बात नहीं है। उसके बावजूद नया टैक्स ना लगना, कोई नया टैक्स नहीं लगा। और सस्ता क्या हुआ और महंगा क्या हुआ? महंगी हो गई वीगो, चलाता कौन है? वडेरे का बेटा। वीगो महंगी हो गई, बड़ी तकलीफ है। सही वीगो महंगी थी भाई, अरे सही वीगो महंगी थी भाई। सस्ती क्या हुई? मोटरसाइकिल। महंगी क्या हुई? वीवो। सस्ती क्या हुई? मोटरसाइकिल। सस्ता क्या हुआ? चिंची रिक्शा। बड़ी तकलीफ है कि वीगो सस्ती महंगी होगी, बहाने छाती दो। अब तो 2-3 ठेके और देने पड़ेंगे किसी को कमीशन लेके। और सही अभी साई की वीगो पे आता हूं, जिसके ऊपर लगता है कि वीगो ले ली, स्प्रे मशीनें नहीं ली, तो अब क्या बंदूक लेके आगे सीएम साहब बैठा होगा, पीछे आप बैठे होगे और टिड्डियों को मारा जा रहा होगा। हल्ले भरा टिड्डी, हल्ले टिड्डी, हल्ले टिड्डी, हल्ले टिड्डी। इस ये करोगे, शिकार करोगे टिड्डियों का, गुलेल से करोगे। स्प्रे मशीनें ली नहीं है, वीगोस ले ली है, इसका ट्रैक करेंगे। 600 गाड़ियां बताऊंगा आगे चल के। मैं कहता हूं हुआ सस्ता क्या हुआ? वीगो महंगी, मोटरसाइकिल सस्ती। वीगो महंगी, चिंची सस्ता। नकवी साहब का सिगार महंगा, माजरत के साथ नकवी भाई, मतलब सिगार महंगा, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट महंगी, इंपोर्टेड अशिया महंगी, इंपोर्टेड चॉकलेट महंगी। सस्ता क्या? दूध सस्ता, दही सस्ती, क्रीम सस्ती, मक्खन सस्ती, देसी घी सस्ता, ये सस्ता, दाल सस्ता, दलिया सस्ती, चावल सस्ता, सब्जी सस्ती, खुशमेवा सस्ता, मछली सस्ती, शहद सस्ता, वेजिटेबल ऑयल सस्ता, मसाला जात सस्ते, सोयाबीन सस्ता, एलईडी लाइट सस्ती, जरिए आला सस्ते, जूते सस्ते, कपड़े सस्ते, खाद की खाद सस्ती, फिजाई सफर सस्ता, कंप्यूटर सस्ता, दफ्तरी आला सस्ते, शादी हाल के ऊपर टैक्स खत्म कर दिए गए, चमड़ा सस्ता, लकड़ी सस्ती, कालीन सस्ते, टेक्सटाइल सस्ती, एलपीजी सस्ती, ट्रैक्टर सस्ते, कुदरती गैस सस्ती, थ्रेशर सस्ता। और आपको क्या सस्ता चाहिए था? आम आदमी की तो यही जरूरत होती है जो चीज़ सस्ता की गई, लेकिन आपको तो चाहिए था कि आपके मतलब की चीज़ें सस्ती हों। पूरे सिंध में 50 लाख गरीबों को, मजदूरों को, रेड़े बालों को, बेरोजगारों को, 50 लाख ज़रूरतमंदों को 60 अरब रुपए पूरे सिंध में मिला है। शुक्रिया नकवी भाई। पूरे सिंध 60 अरब रुपए। आपने ये तस्वीर लगा दी 60 रुपए की, एक तरफ 60 अरब, दूसरी तरफ एक तस्वीर है 60 रुपए में प्रिंट हुई होगी। आपने क्या दिया? 60 अरब रुपए। मुझे सिंध वासियों, मुझे कप्तान, तवाजे कप्तान इमरान खान, सजे सिंध में 50 लाख मजदूरन के, गाड़े वाले के, रेड़े वाले के, गरीब के, मजदूर के, बेवा के 50 लाख मानन के 60 अरब रुपए देना है। अब बताता चलू बदीन हसनैन भाई और साईं मोहतरम, आपके जिले में भी, आपके जिले में भी बदीन में 2,48,000 लोगों को 2,99,14,35,000 रुपए दिए हैं। बदीन में कुछ दिया, सूदी खा गए। बदीन में दिए हैं इतने। लाड़काना में जो अभी तक में 1,85,000 लोगों को 2,20,00,00,000 रुपए मिलने हैं साथ से। घड़ा मिल रहा है ना? 12,20,00,00,000 लाड़काना में मिलता। तवा छाड़ नो, तवा तवा भाई बताता हूँ लाड़काना में। अब आज तो मैं सलूट करूंगा दोनों हाथों से वजीर सेहत को भी और वजीर आला साहब को भी। सही, इन्होंने तो कब्रिस्तानों में भी दवाइयाँ भिजवा दी। क्या वाह सही, वाह सही, वाह कब्रों में दवाएं भिजवा दी है, पता होगा। अभी एहसास की बात कर लो, लाड़काना में 2,00,00,000 मतलब क्या मिसाल है इस तरीके से। मलीर के अंदर 1,85,000 लोगों को 1,14,00,000। इसी तरीके से एहसास एमरजेंसी के तहत, वरी रिपीट कहा तो
पूरे सिंध में 50 लाख लोगों को 60 अरब रुपए दिए गए और डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा हमारी वेबसाइट पे भी है, अगर किसी मोहतरम को चाहिए हो तो मैं उसको दे सकता हूं। मगर आपने इसके साथ क्या किया? आपने ये किया, एसओपी तय हुई थी, पैसा वफाक से आएगा, बीआईएसपी देगी एहसास के तहत। सिंध गवर्नमेंट क्या करेगी? साया करेगी, पानी देगी, लाइन बनाएगी, चोरी को रोकेगी, डीसी और एसपी जितनी जलालत हो रही है, 2000 रुपए ये आपके डीसी एसपी शामिल है उसके अंदर। कल एक मैंने देखा हैदराबाद में सब इंस्पेक्टर, अब पहले तो आपके पीटी आईजी बैठा है, अब तो भाई आपके पास सब कुछ है। कल हैदराबाद के अंदर एक सब इंस्पेक्टर साहब मशीन से पैसे निकाल रहा है, वीडियो भेज दूंगा आपको भी, एक्शन कराइएगा। एक सब इंस्पेक्टर वर्दी पहने मशीन से गरीबों के पैसे निकाल रहा है। लानत मरो, डूब मरो, गरीब का माल खाते हो, एक मिस्कीन का माल खाते हो, अल्लाह का अजाब नाज़िल होगा तुम लोगों के ऊपर। पैसे तो इमरान खान ने भेज दिए ना, क्या वो मैं जाके देता? नकवी आप कहते हो सियासत हो रही है, अली मादिल तो पैसे बांट रहा है, नकवी पैसे बांट रहा है, भाई इसे कहते हैं इमरान खान। आपके बीएएसपी में 48 लाख टोटल लोग थे, वो खवातीन उसमें से बीबियां निकली ना, वीआईपी गामोरों वाली निकल गई 8 लाख, 40 लाख, और अब 1 करोड़ और 61 लाख लोग बढ़ गए हैं, मतलब 1 करोड़ 20 लाख का इजाफा हो चुका है। तो जो आपको करना था आपने नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, आपने जुल्म किया और इस एहसास के प्रोग्राम को आपने, मैं समझता हूँ, तबाह किया। मैं पूछना चाहता हूं, ये मीर हसन किसी का तो बच्चा था, आगा साहब आपके शिकारपुर का था, इसको वैक्सीन नहीं मिली, इसकी माँ की गोद में कमिश्नर लाड़काना की ऑफिस के बाहर एड़ियाँ रगड़ कर मर गया, वैक्सीन नहीं मिली। कहते हैं 5000 अरब से ज़्यादा का बजट खा गए आप लोग, कुत्ते की वैक्सीन है नहीं, कोरोना का मुकाबला करेंगे। ये हसन कराची के इंडस अस्पताल में ये आता है और ये भी मारा जाता है और इसको भी वो नहीं मिलती। मैं कहना चाहता हूँ ये ज्यादती है। और उसके अलावा लाड़काना पे बात करता हूँ, आगा साहेब मोहतरम सॉरी स्पीकर साहेब, गुज़िश्ता रोज कब्रिस्तान से 2 करोड़ की दवाइयां रिकवर की हैं लाड़काना पुलिस ने। अरे डूब मरो, इन टिट्टों ने तो कब्र दवाइयां भी खा गए, 2 अरब की 2 करोड़ की दवाइयां, और दी किसको? और पूरे सिंध में जब दवाइयां ये खा जाएंगे तो मीर हसन को क्यों मिलेगी? दवाइयां बिक जाएंगी तो हसन को क्यों मिलेगी? दवाइयां बिक जाएंगी तो फिर आपके गड़िया सीन में मरूं वो बेचारे फकीर सिकंदर खोकर को एम्बुलेंस क्यों मिलेगी? वहां भी डांसर है, डीएचओ साहब डांस करते हैं, शर्म है, डूब मरे दफा लानत के, डांस करते दिल में टुन होकर। तो बात है डीएचओ शिकारपुर, चूंकि वो लाडला है, लाडलो मानुआ सही खास मानुआ साहब जो उन्हें के भली डांस करे, भली सुमे कुछ ना करे, भाई खास मानुआ करे भी तो भली डांस करे, डूब मरे। और ये उस दिन जिस दिन अस्पतालों में वो नहीं हो रहा था उस रोज, अब आइए 100 अरब के तरक्याती बजट कम, सॉरी 60 अरब के, इस बजट पे भी बात बाकी तो आपने करनी है, 60 अरब के तरक्याती बजट कम और 100 अरब के नॉन डेवलपमेंट बजट बढ़ा दिया गया। सर क्लोजिंग है, कितनी तेज चल रहा होगा सर? अभी मेरा टाइम हुआ नहीं आया, देखिए मैंने टाइम बता दिए, मेरे 20 मिनट भी नहीं हुए, अभी 25 मिनट हो गए, तो सर 40 मिनट ये कर सकते हैं तो हम क्या कोई छोटी औलाद है आपकी, बैठ जाते फिर ये 40 मिनट कर सकते हैं, ये हुकूमत में हम नहीं कर सकते, हमारा राइट है बराबर डिसाइड हुआ नहीं है, 41 सबने यार डिसाइड किया था, तो सर कल क्यों करने दिया फिर जी, क्यों करने दिया 40 मिनट 42 मिनट 43 मिनट इनके लिए जायज है, हमारे लिए नाजायज है सर, यही बात होती है, ये पार्टीजन रवैया नहीं होना चाहिए, रोके ना इनको, अभी कर गए 40 मिनट वो, हमारे लिए कानून है, हमारे लिए आप बादशाह है, इनके लिए आप सिविलियन कानून है, चले आप वाइंड अप कर ले।